आप लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, मगर वहाँ पर कोई भी बॉर्डर पर आप लोग रुका नहीं रहे हैं, इसीलिए हम गौरक्षकों को आगे आकर गौरक्षा करना पड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये गाड़ी चढ़ाने का ऑर्डर किसने दिया? असदुद्दीन ओवैसी दो दिन पहले एक लेटर देके बोला कि गायों का गाड़ियां रोका जा रहा है, हम गौरक्षक है, गाड़ियां रोकेंगे। असदुद्दीन ओवैसी, आज ये दुर्घटना हुई, आज हमारा गौभक्त अंदर जान से लड़ रहा है। अगर एक भी गौभक्त की जान जाएंगी ना, बेगम बाजार छतरी पे उल्टा लटका के देखो, तेरी दाढ़ी निकालने लगा देंगे। गौभक्तों को क्या मामूली समझ रहा है? हम कान अब आप देखेंगे, अब बकरीद आने वाली है, अचानक हैदराबाद की जो रोडें हैं वहां पर गौरक्षक पैदा हो जाते। अरे जो करो, साल के 11 महीने तुम्हारे को याद नहीं आई अम्मा की मोहब्बत? याद नहीं आई तुमको? अब क्योंकि बकरीद आ रही, फौरन आ गए। कल मीरपेट पुलिस। दोस्तों, मैं फरहाद मखसूसी, अभी कुछ देर पहले मैं एक लाइव आया था, जिसके बंद करने के बाद 2-4 मिनट के बाद मुझे किसी ने कॉल करके बताया कि भाई वो लाइव नज़र नहीं आ रहा है, उसके अंदर कुछ क्रूशियल बातें आपने बताई थी जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन वो नहीं आ रहा है। तो इस वजह से मैं दोबारा से लाइव आ रहा हूँ। बहरहाल एनीवेज, मैं कहना ये चाह रहा था कि एक बीजेपी का 2% का लीडर अभी अभी जिसका मैं बयान देखता हूँ, जिसके अंदर वो कहता है कि भाई हम गौ रक्षा करने के लिए जो है ना कुछ ट्रक को रोकने की कोशिश करे, तो एक ट्रक के सामने शायद उनका गौ रक्षक आ गया, जिसकी वजह से वो दवाखाना पहुंच गया। और वो कहता है कि भाई अगर उसको कुछ होता है तो वो फिर वो बहरहाल एक कम्युनल बातें करता है। और यानी ये लोग साल भर तो कुछ काम करते नहीं है, लेकिन ऐन ईद के मौके पे, खास करके बकरा ईद के मौके पे आ जाते हैं गरीबों के पेट पे लात मारने के लिए। और उसके साथ साथ वो जो है ना एक बहुत बड़ी बात कर देता है, वो अगर डायरेक्ट असदुद्दीन ओवैसी को कुछ कहता तो शायद मैं उसके ऊपर रिएक्शन ना देता, लेकिन उसने कहा कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की दाढ़ी काटेगा वो उल्टा लटका के, तो अगर तेरे में है दम तो वाकई में असदुद्दीन ओवैसी को हाथ भी लगा के बता ले रहे। भाई असदुद्दीन ओवैसी तो छोड़ दे, उनके चेले चपाटे जो साथ पे फिरते नहीं, उसको हाथ लगा के बता ले, उसके बाद मैं तेरे को मान लेता हूँ कि भाई वाकई में तेरे में दम है। ये बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता, लेकिन मैं तेरे को एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ कि बकरा ईद होती क्या है। बकरा ईद दुनिया की सबसे बड़ी वो ईद है जिसके अंदर ना कि सिर्फ गरीब बल्कि अमीर, यानी ना कि सिर्फ अमीर बल्कि गरीब भी जो है ना ये त्योहार को मनाते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जैसे कि ये दुनिया की इकोनॉमी के अंदर इतना बड़ा सपोर्ट है ये ईद के, जो कैटल ट्रेडिंग होती ना, ये अक्सर गाँव के अंदर वो गरीब लोग करते हैं जो साल भर जानवरों को पालते हैं और उनको जो है ना उनको चारा खिलाते हैं, बहरहाल उनको बड़ा करते हैं इसी इंतजार में कि जब बकरा ईद आएगी तो हम ये जानवर बेचेंगे मार्केट में। फिर वो बेचने के बाद, यानी जानवर बेचने पे भी गरीबों का फायदा और जानवर बिकने के बाद भी गरीबों का फायदा, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। और एक बात बता दूं कि मेजॉरिटी हिंदुस्तान के अंदर मेजॉरिटी कैटल ट्रेडिंग करने वाले हमारे हिंदू भाई बहन हैं। हमारे हिंदू भाई लोग जो है ना अपना सारा साल ये जानवरों को पालते हैं इसी इंतजार में कि बकरीद आएगी तो वो बेचेंगे। तो अब तू गौ रक्षा के नाम पे ट्रकों को रोक के एक तो बेचारे गरीब ड्राइवर को मारने की बात कर रहा है, यानी ड्राइवरों को मारते तोड़ते हो तुम लोग, उस वजह से शायद वो अपनी जान बचाने के चक्कर में जो है ना तेरा जो भी भरल साथी था उसको उसने टक्कर मार दिया और वो दवाखाने पहुंच गया। तो आते क्यों हो कुत्ते बिल्लियों की तरह ट्रकों के सामने? तुम वो ये काम करते क्यों हो भाई? तू क्या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, तू है कौन भाई? पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, कोर्ट के जरिए से अप्रोच हो। पुलिस को क्या नहीं मालूम है किसको परमिशन दिया हुआ है, किसको नहीं दिया हुआ है, किसको रोकना है, किसको नहीं रोकना है? अगर कोई इलीगल तरीके से एंट्री लेता है, जाओ पुलिस में कंप्लेंट करो, उसके खिलाफ मोटे से मोटा उस पर चार्ज लगवाने लगाओ। लेकिन तुम कौन हो बे, जाके ट्रकों को रोकते हो, रोक के फिर उसके बाद बेचारे गरीब ड्राइवरों को मारने की कोशिश करते हो। और दूसरी बड़ी बात, ये जो कैटल ट्रेडिंग के अंदर जो पैसा कमाने का मौका मिलता है ये उन गरीब लोगों को मिलता है जिसके बारे में गवर्नमेंट सोचती भी नहीं होगी। गरीब से गरीब तबके के लोगों को जो है ना फायदा होता है इस बकरा ईद के मौके पे। एक तो वो अपने बकरे बेचते हैं, अपने बैल बेचते हैं, अपना जानवर बेचते हैं, उससे उनको पैसा मिलता है जिससे कि उनके साल भर का जो है ना खर्चा निकलता है। और दूसरा, जब कोई अमीर आदमी या तो फिर जो कोई भी मुसलमान
ये बकरे खरीदते हैं या बैल खरीदते हैं, जब जुबा करते हैं ना, तो कम से कम 100 गरीब लोगों में ये तकसीम किया जाता है, यानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो खरीदने पे भी गरीब का फायदा और उसको जुबा करके जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो उसमें भी गरीबों का फायदा। तो ये गरीबों के लिए एक बहुत ही अहम ईद का मौका होता है। और तुम जैसे जंगली लोग जो जानते नहीं हो कि भाई ये ईद क्यों है, क्या है, उल्टे सीधे हरकतें करने, साल भर तो कोई काम करते नहीं हो लेकिन ऐन बकरीद के मौके पे पहुंच जाते हो अपना कम्युनल चेहरा दिखाने के लिए, माहौल को गंदा और खराब करने के लिए। और पुलिस को चाहिएगा कि इन जैसे बदमाशों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए कि किस बुनियाद पे, किस यानी किस रीजन से ये लोग पहुंच जाते हैं वहां पे ट्रक्स को रोकने के लिए। क्या पुलिस में इतना दम नहीं है इनको डंडे मार के भगाने के लिए? पुलिस को चाहिएगा कि इन जैसे बदमाशों को डंडे मार के भगाया जाए। आके बदमाश लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हिंदुओं की रेस्पेक्ट तो जो है ना, हिंदू धर्म की रेस्पेक्ट मैं समझता हूं कि तुमसे ज्यादा तो हम करते हैं। और मैं नहीं समझता कि तुम कोई हिंदू या सनातनी धर्म के हो। अगर तुम हिंदू या सनातनी धर्म के होते तो तुमको पता होता कि भाई दूसरे रिलीजन्स की रेस्पेक्ट कैसे करने चाहिए। भी हम अपने जो है ना, हम हिंदू भाइयों के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं होना चाहिए करके, इसलिए हम गौ माता को जुबाई करना छोड़ दिए। हम तो बैल को जुबा करते हैं, बकरे को जुबा करते हैं, लेकिन गौ माता को जुबा करना ही छोड़ दिए। तो हम ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं हिंदू धर्म की ना कि तुम, क्योंकि हमारा खुद इस्लाम हमें सिखाता है कि दूसरे धर्मों की रेस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरह के बदमाशी हरकतें करना छोड़ो, भाईचारे से रहना सीखो। थैंक यू वेरी मच।